हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूं बहुत ही सिंपल सा डीआईवाई कि आप अपने जो पुराने जीन्स हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पुराना जीन्स नहीं हो तो अपने हस्बैंड का वार्डरोब चेक कीजिए, उसमें कोई कम पुराने मतलब उसमें कोई ऐसी जीन्स है जो आपको लगता है यूज कर सकते हैं तो वो निकाल लीजिए, और नहीं भी कुछ ऐसा है तो उस जीन्स को आप निकाल सकते हैं। हस्बैंड को कौन सा पता रखना है, मजाक कर रही हूँ। अगर कुछ आपके पास पुरानी जीन्स वगैरह हो अपनी बच्चों के हस्बैंड की तो उनको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया है, मैंने टेबल मैट बनाया है, तो आप सेम इसी पैटर्न को यूज करके बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे पिलो कवर, कुशन कवर और भी बहुत सारी चीजें जो आपका मन करे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आजकल मैं यार रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब खुद में ही उलझ सी गई हूँ। तो कोशिश मेरी रहती है कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो सारा कुछ एक्चुअली मैं अकेले मैनेज करती हूँ तो पता नहीं क्यों स्लो हो रही हूँ, जो भी है। तो कोशिश करूँगी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने की। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक जीन्स लिया है और इस जीन्स का मैं सर्कल से ऐसे बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने एक प्लेट ली है छोटी सी। ये छोटी सी प्लेट है, आप चाहे कोई ढक्कन ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो इसको सर्कल बनाने के लिए। और अभी मैंने देखा है कि मैंने कौन सा स्वेटर पहन रखा है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है स्वेटर देख के डाक बंगले में वो नहीं होता वॉचमैन जो लालटेन लेके, वैसे ही स्वेटर पहन रखा है मैंने। एक्चुअली काफ़ी रात को बनाया था ये वीडियो। और उसके बाद मैंने एक वॉल पिन लगा लिया है, जैसे ये टू लेयर्स है तो ये सर्कल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कटे, तो इस तरीके से टू लेयर्स मेरे पास आ गए हैं। तो आपको जितना बड़ा बनाना हो उतना उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको ज्वाइन करना है। तो पहले तो मैं खूब सारे सर्कल, जितना मुझे मतलब टेबल मैट बनाने के लिए मुझे जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से मैं काट लूँगी, और इसको कुछ सिलने के बाद इस टाइप से हो जाएगा। ये मैंने कट किया है, ये लगभग मैंने 15-16 मैंने इससे निकाला है, तो मैं 15 यूज़ करूँगी। तो आपको जो चीज़ बनाना हो उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद एक रेक्टेंगल स्क्वायर मैं इस टाइप का कार्डबोर्ड का पीस मैंने कट किया है, और इसको मतलब इस तरीके से इस पे लगाना है। थोड़ा सा मैं इसको और कट कर रही हूँ, तो इसको आप अंदाजे से जो सर्कल के चारों तरफ इस तरीके से आ जाए, और बिल्कुल स्क्वायर होना चाहिए, चारों कोने मतलब चारों साइड्स इसकी बराबर होनी चाहिए, ये इस तरीके से आना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसको हम लाइन चारों तरफ से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसको आप किसी मार्कर से ड्रॉ कर सकते हैं, और इस साइड से लाइन आपको ड्रॉ करनी है उसके उल्टे साइड से। ये हो चुका है। और इसी तरीके से जितने भी सर्कल मैंने काटे हैं सबको मैं इस तरीके से ये कार्डबोर्ड का पीस इसके ऊपर रख के लाइन ड्रॉ कर लूँगी, जैसे कि हमें जो सिलाई लगानी हो तो निशान लगा हो तो एग्जैक्टली सिलाई उसी जगह पे आए, बिल्कुल टेढ़ा वेढ़ा टेढ़ा ना हो बिल्कुल। और उसके बाद हमें इसको इस तरीके से ज्वाइन करके पहले मैं वॉल पिन लगा देती हूँ, फिर उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो आपको जितना लंबा बनाना है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं एक लाइन में 5 सर्कल लगा रही हूँ, तो ये इस तरीके से लगाना है। जो लाइन हमने ड्रॉ की है एग्जैक्टली उसी लाइन पर वॉल पिन लगाना है, और सिलाई भी हमने उसी लाइन पे करनी है, जैसे ये इस तरीके से मैंने स्टिच किया है। और ये बनने के बाद ये ऊपर की तरफ इस टाइप से होगा। तो इसके बाद जो भी पीसेज हैं मैं उनको इसी तरीके से ज्वाइन कर रही हूँ। और ये जो सिलाई है, जो दोनों साइड हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पे सिलाई आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कम ज़्यादा कर देंगे तो फिर आगे जाके दिक्कत होगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। और इसके लिए जैसे कि अगर आपको थोड़ा डिज़ाइनर कुशन कवर या कुछ भी आपको डिज़ाइनर बनाना है, तो उसमें जैसे आपके कुछ हैवी काम वाले जो सूट होते हैं, दुपट्टे होते हैं या जिन पे मिरर वर्क होता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक सा कपड़ा यूज़ करने वाली हूँ उसके साथ। पिंक कलर का जो मेरे पास बचा हुआ था, जो मैंने रोटी कवर बनाया था उसके साथ, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से अगर कुशन कवर वगैरह बनाए तो कुछ जैसे आपके पास हैवी कपड़े हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये हो चुका है, ये मतलब लगभग मैंने 5 इसमें लगा लिया। और पहले एक साइड आपको इस तरीके से लगाना है, और हर एक इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है जितना आप लंबा बनाना चाहें। उसके बाद जो मतलब 3 मैंने लाइन्स बनानी है, तो तीनों को पहले मैं इस तरीके से बना लूँगी 5-5 का, उसके बाद मैं इनको सिलूंगी।
और जो ये सिलाई भी करनी है हमने बिल्कुल एग्जैक्टली जो जहाँ पे सिलाई आ रही है तो सबको सिलाई के साथ मिला के उसी जगह पे करनी है, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। पहले हम इसे ऑल पिन से सेट कर लेंगे जिससे कि मतलब सिलाई हमारी सही जगह पे आए, और इस मतलब इसके चारों तरफ हमने निशान लगा रखा है ऑलरेडी कार्डबोर्ड पीस डाल के, तो आपको ऑल पिन लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जहाँ जहाँ ये ज्वाइन हुआ है तो जॉइंट्स एग्जैक्टली सेम जगह पे आने चाहिए जिससे कि फिनिशिंग आए बनने के बाद इसमें। और ये मैं बिल्कुल छोटा सा मैट बना रही हूँ, आप चाहे तो क्विल्ट का कवर बना सकते हैं, जो बच्चों के पुरानी टी शर्ट्स वगैरह होती है वो यूज़ करके, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कुछ टी शर्ट्स वगैरह होती हैं बिल्कुल नई होती हैं लेकिन छोटी हो जाती है बच्चों की, तो उनको आप फेंकने की बजाय ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम ऑल पिन रिमूव करके सिलाई इस तरीके से लगाएंगे, और जो हमने मतलब सिलाई लगानी है बिल्कुल सारे जॉइंट से एक दूसरे को फेस करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ जहाँ पे हमने मतलब सिलाई लगाई है तो दूसरी साइड भी उसी जगह पे सिलाई होनी चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, आप चाहे तो पहले हाथ से स्टिच कर सकते हैं, लेकिन ये इजी था इसलिए मैंने पहले ऑल पिन लगा दिया फिर हाथ से उसको स्टिच कर रही हूँ, हाथ से नहीं उसके बाद मशीन से स्टिच कर रही हूँ। और चाहे तो आप ये पूरा का पूरा जो मैंने ये बनाया है टेबल मैट प्लेसमेंट मैट, तो आप इसको पूरा का पूरा हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। अब ये हो गया, मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से लगने वाला है। ये देखिए इस तरीके का है और ये इस टाइप से ये फ्लावर सा दिखेगा ऊपर की तरफ, तो आप इसमें बहुत कुछ जो आपका मन करे वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा, अलग अलग टाइप के पैटर्न वाले क्लोथ्स भी बीच में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल एक ही कलर का एक ही प्रिंट का कपड़ा बीच में यूज़ करूँगी। और इसी तरीके से ये जो थर्ड लाइन है इसको भी हम सिल लेंगे, इसको पहले ऑल पिन से हम फिक्स कर लेंगे जैसे कि ये मतलब आगे पीछे ना हो, क्योंकि इसमें मेन यही रहता है कि अगर सिलाई आगे पीछे हो जाती है तो मतलब जो उसकी सारी सुंदरता है वो खराब हो जाती है। तो ये हो चुका है, मैं तीनों सिल चुकी हूँ और पीछे से ही कुछ इस तरीके का दिख रहा है और आगे से मैं आपको दिखाती हूँ ये ऐसा है। तो इसको हम पहले आयरन कर लेंगे, और आयरन हमने पहले करना है उसके बाद हम इसमें बीच में कपड़ा लगाएंगे, और आयरन करने के बाद ही ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये डेनिम है तो डेनिम उधड़ता नहीं है, ये इस तरीके का बहुत प्यारा लग रहा है ये। लेकिन इसके बीच में हम दूसरे कलर का कपड़ा भी डालेंगे, पहले इसको अच्छी तरीके से आयरन करना है, एक एक लीफ को आपको अच्छी तरीके से सीधा करना है, क्योंकि अगर आयरन में थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, आई मीन जैसे कि आयरन आपने थोड़ा सा मतलब सही से नहीं किया, रिंकल रह गए, तो फिर सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। ये हो चुका है, अब उसको हम टर्न करके बैक साइड पे आयरन कर देंगे। ये साइड पूरी तरीके से हो चुका है, ये बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं ये फ्लावर्स या लीव्स, और बैक साइड पे भी आयरन कर देने से बिल्कुल सही से सिलाई हमारी बैठेगी। और ये इस तरीके से हो चुका है, और इसमें मैंने मुझे लगभग आधी जीन्स मैंने लगाई है जो कि मेरी जीन्स थी। तो अगर आप जेंट्स का जीन्स यूज़ करते हैं, बॉयज़ का यूज़ करते हैं, तो तीन प्लेसमेंट में मैट बना सकते हैं, और मतलब डिपेंड करता है कि क्या साइज़ है जो भी है। तो एक जीन्स में मतलब 30 नंबर का जीन्स था ये, तो एक जीन्स में लगभग 2 टेबल मैट आराम से बना सकते हैं। और उसके बाद मैं ये जो मेरे पास कपड़ा था कॉटन का ये बचा हुआ था तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से जो इसका स्क्वायर सा अंदर सा बॉक्स है उसमें फिट करूँगी। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और साइड से कट कर लूँगी, और इसको साइड से मैं हल्का सा और कट कर लूँगी जिससे ये अंदर पूरा फिट हो जाए, और फिर इसी के नाप से मैं जितने और पीसेस इसमें लगेंगे वो सबको कट करूँगी। और ये इसमें बिल्कुल फिट आ गया है, तो आप इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंगल प्रिंट का कपड़ा ही यूज़ करना है। जैसे बच्चों के कपड़े हैं, टी शर्ट है, और मिरर वर्क वाला कुछ दुपट्टा है, सूट है, या कुछ एम्ब्रॉयडरी है सूट वगैरह में, तो उसको कट करके आप इसमें लगा सकते हैं तो वो अच्छा लगेगा। लेकिन टेबल मैट के लिए थोड़ा सिंपल अच्छा लगता है, बाकी आप कुशन कवर वगैरह के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सब जगह इसमें यही प्रिंट वाला कपड़ा यूज़ कर रही हूँ जो मुझे आसानी से मिल गया घर में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं छोटा बना रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम बाद मैं शायद
क्विल्ट का कवर बनाऊंगी अगर टाइम मिला तो, नहीं तो पता नहीं, क्योंकि जो घर में कई बार ऐसा होता है जो पुराने कपड़े होते हैं, वेस्ट कपड़े होते हैं, उनका समझ में नहीं आता क्या करें, तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बच्चों के कपड़े जल्दी छोटे भी हो जाते हैं, और ये पूरा मैंने फिट कर दिया है, ये कुछ इस तरीके से है। बीच में आप ऑल पिन वगैरह लगा सकते हैं जिससे जो बीच वाला कपड़ा है वो हिले नहीं। उसके बाद जो बिगनर्स हैं जिनको मतलब मशीन की सिलाई में हाथ नहीं बैठा हुआ है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो इस तरीके से हाथ की सिलाई सब जगह पे लगा लें, जिससे कि कपड़ा हिले नहीं और सिलाई बिल्कुल सही से आए। क्योंकि जो हम सिलाई लगाने वाले हैं वो जो लीव्स हमने बनाए हैं इस टाइप के जो डेनिम का है, उसके चारों तरफ ऐसे गोलाई में लगानी है, तो जिससे जिन लोगों का हाथ उतना मतलब बैठा नहीं होता मशीन पे, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि हाथ से पूरा स्टिच कर लें। नहीं तो अगर आप का हाथ बैठा हुआ है तो आप ऑल पिन लगा के सिलाई कर सकते हैं। और आप चाहे तो अब मशीन से सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, अब जैसे मैंने ये तो हाथ से ऐसे ही लगाई है, अब चाहे तो दूसरे कलर का, जैसे इसमें पिंक कलर का मतलब मैंने कपड़ा यूज़ किया है, तो पिंक कलर के धागे की रनिंग स्टिच, लेकिन रनिंग स्टिच जो आप लगाएं वो बिल्कुल मतलब बराबर में आए, मतलब एक उसका जो भी आप लगाएं उसकी साइज़ बिल्कुल बराबर हो, तो वो भी आप बना सकते हैं रनिंग स्टिच लगा के, अगर मशीन नहीं यूज़ करना चाहते। मैंने हाथ से पूरा इस तरीके से स्टिच कर लिया, ये उन लोगों के लिए जिनका हाथ मशीन पे बहुत अच्छी तरीके से बैठा ना हो। उसके बाद मैं इसको फर्दर आयरन कर रही हूँ जिससे कि बिल्कुल ये फ्लैट हो जाए। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाने वाली हूँ, क्योंकि अब मैंने इस तरीके से कर लिया है, तो इस तरीके से सिलाई लगाना मेरे ख्याल में हर किसी के बस मतलब हर किसी के लिए आसान होगा। और ये इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, तो ये डेनिम है, डेनिम उधड़ता नहीं है, तो इसके जो मतलब एजेस हैं हमें उसको मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से गोलाई में ऑल ओवर हमें सिलाई लगा लेनी है, और आप चाहें तो दूसरे कलर के धागे से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मुझे उतना ज़रूरी नहीं लगा, ये हो चुका है। और आप चाहें तो इसके जो साइड्स हैं, तो साइड में आप लेसेस वगैरह कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से कॉटन की लेस, क्योंकि इस टाइप का डेनिम के साथ कॉटन की लेस ही ज़्यादा अच्छी लगेगी वो। लेकिन मैंने नहीं लगाया, मुझे बिल्कुल इसको सिंपल रखना था, तो ये पूरा बन के तैयार हो चुका है। और हाथ वाली सिलाई मैं निकाल चुकी हूँ, हाथ वाली सिलाई मैंने बहुत बड़ी करी थी, और दूसरे कलर के धागे से करें जिससे कि आराम से निकल जाए। और पीछे से कुछ ये इस टाइप का है, आप पीछे कुछ और लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। और ये सच में बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, बताइएगा ज़रूर। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अब आप इस चीज को बहुत आसानी से बना सकते हैं। और आपके पास अगर कोई पुरानी जीन्स नहीं है तो आई एम श्योर आपके हस्बैंड की जीन्स एक आध जीन्स कम होने वाली है, लेकिन इस कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी होता है यार, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।